तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। तो सबसे पहले हम टॉल से शुरू करेंगे। टॉल मींस ऊंचा। द मीनिंग ऑफ टॉल इज ऊंचा। टॉल का मतलब होता है ऊंचा। उसी तरह बुक में आपके दिया गया है टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट हो जाएगा सबसे ऊंचा। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है छोटा। द मीनिंग ऑफ शॉर्ट इज छोटा। उसी तरह बुक में दिया है शॉर्टेस्ट, तो उसका मीनिंग होगा सबसे छोटा। ठीक है, टॉलेस्ट मतलब होगा सबसे लंबा और शॉर्टेस्ट मतलब होगा सबसे छोटा। तो स्टूडेंट्स, आप एक फोटो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, उसमें लेफ्ट साइड में एक प्लांट है जो शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा। जो लेफ्ट साइड में प्लांट है वो सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट है। और राइट साइड में एक कोकोनट ट्री है, वो टॉलेस्ट है, सबसे लंबा है वो, इसीलिए उसको हम टॉलेस्ट कहेंगे। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 1 में। राइट टी फॉर टॉलेस्ट एंड एस फॉर शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। आपको प्रॉब्लम नंबर 1 में टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट के नीचे टी लिखना है और शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट के नीचे एस लिखना है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, 3 लैंप दिए हुए हैं। जो लेफ्ट साइड में लैंप है वो शॉर्टेस्ट है, जो लेफ्ट साइड का लैंप है सबसे छोटा है। फिर राइट साइड का जो लैंप है वो टॉलेस्ट है, सबसे लंबा। तो हम सबसे लंबे लैंप के नीचे लिख देंगे टॉलेस्ट, और लेफ्ट साइड में जो लैंप बना है शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटा है, उसके नीचे हम एस लिख देंगे। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 2 पे। कलर द टॉलेस्ट हाउस। आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं, उसमें टॉलेस्ट हाउस को आपको येलो कलर करना है। तो मिडिल में देखिए, बीच में यहाँ पे एक हाउस बना है, जो मिडिल वाला हाउस है वो टॉलेस्ट हाउस है, जो मिडिल वाला हाउस सबसे लंबा है, तो उसी हाउस को हम येलो कलर से कलर कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट में एक लॉग है और राइट साइड में एक पेंसिल है। द लॉग इज थिकर देन पेंसिल। जो लॉग है वो पेंसिल से मोटी है। उसी तरफ जो पेंसिल है वो लॉग से पतली है। पेंसिल इज थिनर देन लॉग। प्रॉब्लम नंबर 1, टिक द थिकर एंड क्रॉस द थिनर। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो थिकर ऑब्जेक्ट है, जो मोटा ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे आपको टिक करना है और क्रॉस करना है थिनर। थिनर मतलब पतला। तो पतले ऑब्जेक्ट के नीचे आपको क्रॉस करना है और थिकर ऑब्जेक्ट के नीचे आपको टिक करना है। अब आप कंपेयर करिए, दो रोप्स हैं, दो रस्सी हैं। जो लेफ्ट वाली रस्सी है वो थिनर है, तो उसके नीचे हम क्रॉस लगा देंगे, और राइट साइड में जो रोप है, रस्सी है, वो थिकर है। राइट साइड वाली रस्सी लेफ्ट साइड वाली से मोटी है, तो उसके नीचे हम टिक लगाएंगे। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 2 पे। कलर द थिनर वन रेड। जो थिन ऑब्जेक्ट है या जो पतला ऑब्जेक्ट है उसको आपको रेड करना है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, लेफ्ट में जो कैंडल है वो थिनर है और राइट साइड वाली जो कैंडल है वो थिकर है, यानी मोटी है। तो लेफ्ट साइड वाली पतली कैंडल है, इसीलिए उसको हम रेड कलर से कलर कर देंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 3, कलर द थिकर वन ब्लू। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक बकेट है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका ग्लास है। आपको थिकर मतलब होता है उससे मोटा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बकेट ग्लास से मोटी है, तो आप बकेट को ब्लू कलर से कलर कर देंगे। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे 3 ऑब्जेक्ट हैं। जो लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट है वो थिकेस्ट है, यानी सबसे मोटा ऑब्जेक्ट है इन तीनों के कंपैरिजन में। मिडिल में जो सूटकेस है वो बीच का है और राइट साइड में पर्स है, वो थिनेस्ट है, सबसे पतला है। प्रॉब्लम नंबर 1, पुट अ क्रॉस ऑन थिकेस्ट ऑब्जेक्ट एंड टिक ऑन द थिनेस्ट ऑब्जेक्ट। आपको क्रॉस करना है
थिकेस्ट ऑब्जेक्ट पे, जो सबसे मोटा ऑब्जेक्ट है उसके नीचे आपको क्रॉस करना है, और जो सबसे पतला ऑब्जेक्ट है उस पे आपको टिक करना है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, जो लेफ्ट साइड वाला टेडी बियर है ब्राउन कलर का, वो थिकेस्ट है यानी सबसे मोटा है, इसीलिए उस पे हम क्रॉस कर देंगे। और जो राइट साइड वाला टेडी बियर है वो थिनेस्ट है, सबसे पतला है, इसीलिए उस पे हम टिक कर देंगे। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 2 पे। कलर द थिकेस्ट ऑब्जेक्ट रेड एंड थिनेस्ट ऑब्जेक्ट ग्रीन। आपको थिकेस्ट ऑब्जेक्ट, सबसे मोटे ऑब्जेक्ट को आपको रेड करना है, और थिनेस्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पतले ऑब्जेक्ट को ग्रीन करना है। तो लेफ्ट साइड का स्क्रू है वो थिकेस्ट है यानी सबसे मोटा है, इसीलिए आप उसको रेड कलर से कलर करेंगे। और राइट साइड वाला एक्सट्रीम राइट में जो स्क्रू है वो है थिनेस्ट यानी सबसे पतला, इसीलिए आप इसको ग्रीन कलर से कलर कर देंगे। हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट। हैवीएस्ट मींस सबसे भारी एंड लाइटेस्ट मींस सबसे हल्का। हैवीएस्ट मतलब होता है सबसे भारी, और उसी तरह लाइटेस्ट, लाइटेस्ट मतलब होता है सबसे हल्का। सो आपके स्क्रीन पे एक फोटो है, जो लेफ्ट वाला पॉट है, गमला है, वो हैवीएस्ट है यानी सबसे भारी, और मिडिल में एक फ्लावर है वो बीच का है, और राइट में एक बटरफ्लाई है वो लाइटेस्ट है। जो लेफ्ट का पॉट है वो हैवीएस्ट है, और राइट की बटरफ्लाई इज द लाइटेस्ट, इट इज द लाइटेस्ट, सबसे हल्की है। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 1। राइट एच फॉर हैवीएस्ट एंड एल फॉर द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। अब आपकी स्क्रीन पे एक फोटो है, उसमें आपको क्या करना है कि हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट के नीचे एच लिखना है, जो सबसे भारी ऑब्जेक्ट है उसके नीचे एच लिखना है, एंड एल फॉर द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट, और जो सबसे हल्के ऑब्जेक्ट है उसके नीचे एल लिखना है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, जो लेफ्ट साइड वाली बस है वो हैवीएस्ट है यानी सबसे भारी बस है इन तीनों में, हैवीएस्ट। सो वी विल राइट एच बिलो इट, उसके नीचे हम एच लिख देंगे। फिर मिडिल में स्कूटर है, इन मिडिल इट इज स्कूटर, स्कूटर इज द लाइटेस्ट, सबसे हल्की है इन तीनों में, सबसे हल्की स्कूटर है। सो वी विल राइट एल बिलो स्कूटर, हम स्कूटर के नीचे एल लिख देंगे, एल मीन्स लाइटेस्ट। ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी दैट देयर इज अ लीफ, एंड ऑन द एक्सट्रीम राइट इट इज अ लॉग, लॉग माने लकड़ी, और सबसे लेफ्ट में आपकी पत्ती है, इन द मिडिल इट इज रोलर। सो इन दिस प्रॉब्लम आपको हैवीएस्ट के नीचे एच लिखना है और लाइटेस्ट के नीचे एल लिखना है। सो फ्रॉम द पिक्चर वी कैन सी दैट, हम पिक्चर से देख सकते हैं कि जो मिडिल में रोलर है वो हैवीएस्ट है, इट इज द हैवीएस्ट, सबसे ज्यादा भारी रोलर है, उसके नीचे हम लिख देंगे एच। और लेफ्ट साइड में एक लीफ है, लीफ मानी पत्ती, और पत्ती जो है वो सबसे हल्की है, इट इज द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट, सबसे हल्की ऑब्जेक्ट है। सो हम लीफ के नीचे लिख देंगे एल, एल मीन्स लाइटेस्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज नियरर एंड फार्दर। नियर मतलब होता है पास, तो उसी तरह नियरर हो जाएगा उससे पास। द नेक्स्ट इज फार्दर, फार मतलब होता है दूर, तो उसी तरह फार्दर मतलब हो जाएगा उससे दूर। जो नियर और फार्दर के कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्टेंस से रिलेट करते हैं, दूरी से, कि कौन कितनी दूरी पे है। जो नियरर और फार्दर ये कंपैरिजन करके बताते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है। तो यहाँ पे आप लाइन से देखिए, फिनिशिंग लाइन पे टर्टल है और रैबिट उससे दूर है, ठीक है, रैबिट जो है वो उससे दूर है और टर्टल उससे पास में, फिनिशिंग लाइन के पास में है। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 1 पे। टिक द बर्ड नियरर टू द हट। हट मतलब होता है हाउस, घर। तो यहाँ पे आपको टिक करना है उस बर्ड को जो घर के करीब में है, ठीक है। दो बर्ड है, एक पर्पल कलर की और एक येलो कलर की, तो जिसका विंग्स, जिसका पर येलो कलर का है, वो वाली बर्ड हट के नियरर में है, हट के पास में है, तो हम उस पर टिक कर देंगे। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 2 पे।
टिक द काउ फार्दर फ्रॉम द पॉन्ड। आपके स्क्रीन पे दो काउ दी हुई है, आपको टिक करना है उस वाली काउ पे जो पॉन्ड से दूर हो। पॉन्ड मीन्स तालाब, जो तालाब से दूर हो, फार्दर हो, उसको आपको टिक करना है। तो ये सेकेंड वाली जो काउ है उस पे हम टिक कर देंगे क्योंकि पॉन्ड से दूर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज नियरेस्ट एंड फार्देस्ट। तो हम शुरू करेंगे नियर से। नियर मीन्स होता है पास, तो उसी तरह नियरेस्ट हो जाएगा सबसे पास। इन द सेम वे फार मीन्स होता है दूर, और उसी तरह फार्देस्ट हो जाएगा सबसे दूर। तो स्टूडेंट्स, आप एक फोटो देख रहे हैं जिसमें एक लड़का है और उसके सामने तीन डॉग हैं। आपको कंपेयर करना है कि कौन सा डॉग नियरेस्ट है और कौन सा डॉग फार्देस्ट है, यानी कि सबसे पास वाले डॉग को देखना है और सबसे दूर वाले को। तो ये फर्स्ट वाला डॉग है वो बॉय से नियरेस्ट है। सो दिस डॉग इज नियरेस्ट फ्रॉम द बॉय। एंड द डॉग विच इज एट थर्ड पोजिशन, जो डॉग तीसरे पोजिशन पे है वो फार्देस्ट फ्रॉम द बॉय है, सबसे दूर है बॉय से। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर वन। टिक द फार्देस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टेम्पल। द स्टूडेंट्स, जो पहली बिल्डिंग है वो टेम्पल है। द फर्स्ट पोजिशन इज ऑफ टेम्पल। आपको क्या करना है, जो फार्देस्ट ऑब्जेक्ट है, सबसे दूर ऑब्जेक्ट है, उस पर टिक करना है और नियरेस्ट ऑब्जेक्ट पे क्रॉस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्री है। द ट्री इज नियरेस्ट टू द टेम्पल। ट्री टेम्पल के सबसे पास में है, तो उस पर हम क्रॉस कर देंगे। और एक वेल है, वेल देखिए, वेल इज फार्देस्ट फ्रॉम द टेम्पल। वेल जो है वो टेम्पल से सबसे दूर पे है, तो इसीलिए उसके नीचे हम टिक कर देंगे। अब आइए प्रॉब्लम नंबर टू पे। टिक द हाउस नियरेस्ट टू द बुफेलो। यहाँ पे एक बुफेलो है। आपको जो हाउस बुफेलो के सबसे पास में है, सबसे नियरेस्ट है, उस पे टिक करना है। तो ये जो फर्स्ट हाउस है ये नियरेस्ट टू द बुफेलो है, सबसे पास में है। ठीक है, तो उसके नीचे हम टिक कर देंगे। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स, मोर एंड लेस। मोर मीन्स होता है अधिक। द मीनिंग ऑफ मोर इज अधिक। सिमिलरली लेस मीन्स कम। द मीनिंग ऑफ लेस इज कम। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दो जग हैं। द जग विच इज ऑन लेफ्ट साइड, वो जग जो लेफ्ट साइड है, हैज मोर वाटर, उसके अंदर ज्यादा पानी है, अधिक मात्रा में पानी है। एंड द जग विच इज ऑन राइट साइड हैज लेस वाटर, उसके अंदर कम मात्रा में पानी है। प्रॉब्लम नंबर वन, ऑब्जर्व एंड क्रॉस द कंटेनर विच हैज मोर लिक्विड। तो इस प्रॉब्लम में आपको देखना है कि किस कंटेनर में ज्यादा लिक्विड है और उसी के नीचे आपको क्रॉस करना है। तो यहाँ पे टू कप्स हैं। द लेफ्ट कप हैज मोर टी, जो लेफ्ट वाला कप है उसमें ज्यादा टी है। एंड ऑन द राइट साइड द राइट कप हैज लेस टी, तो जो कप राइट साइड में है उसमें कम लिक्विड है, कम टी है। तो हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट वाला कप है उसमें मोर लिक्विड है, अधिक लिक्विड है, सो वी विल पुट क्रॉस बिलो इट, हम उसके नीचे क्रॉस लगा देंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। देयर आर टू पॉट्स, यहाँ पे दो पॉट्स दिए हुए हैं। द लेफ्ट पॉट हैज मोर वाटर, जो लेफ्ट वाला पॉट है उसमें वाटर ज्यादा है, अधिक है। एंड द राइट पॉट हैज लेस वाटर, जो राइट वाला पॉट है उसमें कम पानी है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रॉस द कंटेनर विच हैज मोर लिक्विड, वो कंटेनर जिसमें लिक्विड ज्यादा हो उसके नीचे क्रॉस करना है। तो लेफ्ट वाले पॉट के नीचे हम लोग क्रॉस लगा देंगे। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज लार्जेस्ट एंड लीस्ट। लार्ज मीन्स होता है बड़ा। इन द सेम वे लार्जेस्ट हो जाएगा सबसे बड़ा। सिमिलरली लेस मीन्स होता है कम। इन द सेम वे लीस्ट हो जाएगा सबसे कम। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं फोर बॉटल्स दिया है। आपको उसमें पता लगाना है कि कौन सी बॉटल में लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क है। सो द बॉटल नंबर टू हैज़ द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। जो बॉटल नंबर टू प्लेस पे है उस पे सबसे ज़्यादा मिल्क है। एंड नाउ आपको पता लगाना है कि फाइंड द बॉटल विच हैज़ द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ऐसी बॉटल को फाइंड करना है जिसमें अंदर सबसे कम मिल्क हो। तो यहाँ पे जो नंबर फोर वाली बॉटल है
उसमें लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, सबसे कम मिल्क है उसमें, ठीक है। अब आइए प्रॉब्लम नंबर वन पे। क्रॉस द कंटेनर विद द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एंड टेक द वन विद द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। तो आपको क्या करना है कि जिस कंटेनर में सबसे ज़्यादा मात्रा में लिक्विड है आपको उसके नीचे क्रॉस करना है, और जिस कंटेनर में सबसे कम लिक्विड है, लीस्ट लिक्विड है, उसके नीचे आपको टिक करना है। तो यहाँ प्रॉब्लम में देखिए, जो सेकंड वाला कंटेनर है उसमें लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है, द सेकंड कंटेनर कंटेन्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, तो इसीलिए उसके नीचे हम क्रॉस लगा देंगे। नाउ द थर्ड कंटेनर हैज़ लीस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड, लीस्ट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए, जो थर्ड कंटेनर है उसमें सबसे कम मात्रा में लिक्विड है, तो उसके नीचे हम टिक कर देंगे।